In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Dulhan Hum Le Jayenge. दोस्तों मूवी दुल्हन हम ले जाएंगे जो रिलीज हुई थी 24 मई 2000 को, ये एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसको 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर है डेविड धवन, प्रोड्यूसर है गोर्धन तनवानी और राइटर है रूमी जाफरी। बात करते हैं इसकी कास्ट की। इसमें सलमान खान, करिश्मा कपूर, ओम पुरी, परेश रावल, अनुपम खेर, कादर खान, उसके बाद नजर आए थे जॉनी लीवर, हिमानी शिवपुरी, फरीदा जलाल, दारा सिंह, सतीश कौशिक, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। ये 1960 में आई यानी 1960 में आई बॉलीवुड फिल्म एक फूल चार कांटे का रीमेक है। ये डेविड धवन और सलमान खान इन दोनों की एक साथ थर्ड फिल्म है। पहले फिल्म जुड़वा जो आई थी 1997 में, फिल्म नंबर 2 बीवी नंबर 1 जो आई थी 1999 में और ये है थर्ड फिल्म। चलिए बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 18 करोड़ 85 लाख रुपए का, 18 करोड़ 85 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 31 करोड़ 65 लाख रुपए का, 31 करोड़ 65 लाख रुपीस का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 5 करोड़ 39 लाख रुपीस की कलेक्शन की थी, 5 करोड़ 39 लाख रुपए की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 37 करोड़ 4 लाख रुपीस का। इसका बजट था 11 करोड़ रुपए का। अब 11 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था 18 करोड़ 85 लाख रुपीस का, उस हिसाब से अगर हम बजट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी, लेकिन इंडिया का नेट और इंडिया से बाहर अगर हम दोनों को इंक्लूड कर दें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। यानी कि फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है हिट की। और इसी कलेक्शन के साथ ये 2000 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई थी बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में। गानों की बात की जाए तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 9 सॉन्ग्स थे। गानों को कंपोज किया था HR यानी कि हिमेश रेशमिया ने। चलिए बात कर लेते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी। अब स्टोरी में क्या होता है, जो करिश्मा कपूर होती है उनके बचपन में ही उनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। देन अपने पेरेंट्स की खो देने के बाद करिश्मा कपूर अपने 3 अंकल के साथ रहती है, ओम पुरी, परेश रावल और तीसरे हैं अनुपम खेर। इन तीनों के साथ रहती है लेकिन तीनों ही थोड़े पागल टाइप के होते हैं, संकी टाइप के होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, करिश्मा कपूर तीनों से परेशान होकर चली जाती है यूरोप, जहां पर जाकर उनकी मुलाकात होती है सलमान खान से और दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन जब सलमान खान को पता चलता है कि अगर करिश्मा कपूर से शादी करनी है तो पहले उसके तीनों अंकल को इम्प्रेस करना पड़ेगा। अब सलमान खान तीनों अंकल को कैसे इम्प्रेस करते हैं ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।